हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मुझे डेमिन किंग जी का काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ मेरी एल्डर सिस्टर के लिए बैली बटन क्लीनिंग वीडियो लेके आइए। सो मैं क्लीनिंग तो बताऊंगी, साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स भी दूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी को पता है कि हम डेली बाथ लेते हैं और हम अपनी ऑल ओवर बॉडी को क्लीन भी करते हैं, बट हमको हर संडे अपने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल को गर्म करके यानी कि गुनगुना करके अपने ईयरबड पर लेकर क्लीन करना है अपने बैली बटन को। जैसे जैसे लेयर्स होती हैं उस तरीके से आपको क्लीन करना है। आप देखोगे थोड़ी बहुत गंदगी निकल ही आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको साफ़ ईयरबड लेना है, उसको फिर से क्लीन करना है और जेंटल हाथों से करना है, उसको रगड़ना नहीं है। एंड आप देखोगे कि आपके बैली बटन काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी, ठीक है। सो मैं आपको एक टिप बताती हूँ, सेकेंड टिप। अगर आपके लिप्स क्रैक हैं बहुत ज़्यादा फटे हुए हैं एंड आप उस पर कितना भी लिप बाम लगा लो वो फिर भी ऐसे ही रहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, डेली नाइट आपको अपने बैली बटन पर मस्टर्ड ऑयल लगाना होगा यानी कि सरसों का तेल। एंड आप देखोगे कि आपके जो भी लिप्स फटे हुए हैं, क्रैकी हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये एक साइंटिफिक तरीका है अपने क्रैकी लिप्स को ठीक करने का, ओके। सो मैं बताती हूँ थर्ड टिप। अगर आपका बैली बटन में सूजन है, पस निकल रहा है या फिर बैक्टीरिया फैल चुका है, तो आपको क्या करना है, सरसों के तेल को थोड़ा गर्म करना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, ठीक है। और कॉटन को लेकर अपने उस एरिया पर रख देना है और उसको बांध देना है पट्टी से किसी कपड़े से, और ओवरनाइट रख देना है और सो जाना है, ठीक है। एंड आप देखोगे कि वो बैक्टीरिया बहुत जल्दी कम हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो आप सभी को पता है हल्दी में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी ऑक्साइड होता है, एंटी सेप्टिक होता है, एंटी वायरल होता है, जिससे आपके जो भी सूजन है या बैक्टीरिया है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे ही मुझे एक कमेंट आया था कि प्लीज़ मेरी बैली बटन में ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, एंड मैंने उन्हें बताया ये टिप एंड उनकी वो चीज़ प्रॉब्लम सही हो चुकी है। सो मैं कमेंट मिलेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। गाइस, अगर इस रेमेडी से आपका बैली बटन ठीक नहीं होता तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, वो आपको आपके प्रॉब्लम बताएंगे। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी और आप कैसी वीडियो चाहते हो, और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो।